हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई 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 आज का जो व्लॉग है, आज टोटली जो आपका व्लॉग होगा वो इस टॉपिक पे होगा कि हम लोग जब दुबई आते हैं तो हम लोगों को दुबई में जो नंबर लेना होता है, जो सिम कार्ड लेना होता है, वो कैसे लें, कहां से लें, कौन सा लें। तो यार बेसिकली क्या है ना कि आपने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा है कि जब हम लोग दुबई में एयरपोर्ट पर लैंड हो गए थे तो वहाँ पर ना हमारे को उन्होंने एक सिम कार्ड दे दिया था। लेकिन यार उसके साथ ना प्रॉब्लम ये है कि वो सिम कार्ड सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आपका वीज़ा है। अब आप लोग अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, जॉब सर्च करने आ रहे हो, 2 से 3 महीने के लिए आ रहे हो, वैसे तो पहली बात तो अब 2 महीने का वीज़ा हो गया, पहले 3 महीने का विजिट वीज़ा होता था, अब 2 महीने का विजिट वीज़ा हो गया। तो अगर मान लो आप 2 महीने के विजिट वीज़ा पे आ रहे हो और उसके बाद मान लो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको जो एयरपोर्ट पर जो सिम मिलती है ना वो 2 महीने ही चलेगी। जॉब लग जाएगी, आपका वीज़ा आगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में बढ़ जाएगा, लेकिन आपको सिम कार्ड फिर चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है ना यार अभी पहले ही आप नई वाली सिम ले लो, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो सिम मिलती है वो टूरिस्ट सिम मिलती है, राइट। ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ जो मुझे मेरे रूममेट्स ने बताई है। अब आगे चल के अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ अपडेट आता है तो मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो ये बेसिकली अब तक का सीन है। तो अब मान लो अगर आप लोगों की जॉब लग गई यहाँ पर और आपका जो विजिट वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो गया, तब आप क्या करोगे, फिर आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो टूरिस्ट वीज़ा वाली जो सिम मिली थी, मुझे बेसिकली जो मुझे टूरिस्ट वीज़ा सिम मिली थी, मैं उसको चला नहीं रहा हूँ, उसको मैंने सिर्फ ले लिया है। अब मैं दोबारा से एक नई सिम लेने जा रहा हूँ, जो मैं हो सकता है जब मैं इंडिया वापस जाऊँ तब भी मैं कंटिन्यू करूँगा अपना व्हाट्सएप। तो मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ, थोड़े पैसे लगेंगे, खर्च देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काम पक्का हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम लोग सीधा जा रहे हैं बुर्जमान। अच्छा, बुर्जमान भी क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर 2 कंपनीज होती हैं, एक एतिसालात, एक डू मतलब DU2। तो उनके जो मेन ऑफिस हैं, उनके मेन ऑफिस ना वहाँ पे हैं, बुर्जमान मेट्रो स्टेशन पे नीचे हैं। और उसके लिए ना आपको जो है ना अपना पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा, दैट्स इट। वीज़ा अगर वो मांगेंगे नहीं मांगेंगे, वो जो भी चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को शूट करके आपको मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो कीप इन्जॉइंग दिस वीडियो। सॉरी मैं थोड़ा फंबल करता हूँ एकदम से बोलने में। और सेकेंडली यार वीडियो को एंड तक देख लेना, हो सकता है आपको कुछ ऐसा पॉइंट पता लग जाए जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि यार देखो ये चीज़ मैं भी जानता हूँ कि आप लोग अब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो अपने एंड से आप देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखना, कुछ एक आध पॉइंट ऐसा निकल जाएगा जो आपको लगे करे यार हाँ यार ये पॉइंट, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके उसमें ऐड होगी, ठीक है। तो भाई ठीक है, सीधा मिलते हैं फिर आपको बुर्जमान में ही मिलते हैं, और कहाँ मिलेंगे, और कहीं जाना वाना तो है नहीं, सिम कार्ड ही लेना, तो सीधा मैं ऑफिस में मिलूंगा। गर्मी बहुत है, ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, सीधा बुर्जमान मेट्रो स्टेशन पे जो नीचे ऑफिस है वहीं मिलते हैं। यार आगे बढ़ने से पहले ना आप लोग एक चीज़ देख लो, ये जो आप रोड क्रॉस करोगे ना थोड़ा सा सोच समझ के करना, यहाँ पर फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं ये देखो। लेकिन यहाँ के लोग इतने ज़्यादा वो हैं, बढ़िया हैं, कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा तो पहले ही रुक जाएंगे। ये हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि गाड़ियाँ रोक रोक के रोड क्रॉस करना है। देखो यहाँ पर जो रोड्स हैं ना, अगर मान लो मेरे को इस रोड से यहाँ जाना है तो मैं इसको आराम से क्रॉस कर सकता हूँ, बट मान लो अगर ये बड़ा रोड होगा तो यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उस केस में आपको उसके ऊपर से ही निकलना पड़ेगा। कोशिश करना, कोशिश क्या, आपको निकलना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली जगह से अगर थोड़ा सा भी अगर भटक गए ना भाई साहब, सीधा 300 दिरहम्स का फ़ाइन लगने वाला है। अब आप इंडिया के हिसाब से लगा लो, आई हैव नो आइडिया ये वीडियो आप कब देख रहे हो, तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज जो है जून का महीना है, 2023 वो चल रहा है, ईयर चल रहा है, तो आज जो दिरहम का रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 23 रुपये चल रहा है। तो हो सकता है आप इस वीडियो को 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे आप अपने हिसाब से करेंसी को कन्वर्ट करके देख लेना, 300-400 दिरहम कितने होते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ फ़ाइन भरना पड़ जाएगा अगर आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस नहीं किया तो। भाई दिस इज़ एतिसालात का ऑफिस, एक बार अंदर जाके पूछते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। जैसे आपने एतिसालात का ऑफिस देखा था, ये सामने DU का ऑफिस है, एक बार DU पे जाके पता कर लिया जाए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सीन है। तो भाई फाइनली जो है मैंने कार्ड ले लिया है। आपको ना वैसे मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ से समझी है। आप जब दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करोगे ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट क्या है ना कि आपके लिए ना थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो होता क्या है ना, ये सब मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज होती हैं,
तो आप लोग जब दुबई में लैंड करोगे ना, तो दुबई में लास्ट में जब आप लोग का इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन चेकिंग होगी बेसिकली, तो उसमें क्या होगा, पासपोर्ट में आपको एक डू की सिम डाल के दे देंगे। तो ये डू ने ना बहुत सारी मार्केटिंग्स के लिए मतलब ज़बरदस्ती का थोपने वाली हिसाब हो रही है, उसमें लिखा होता है फ्री 1 GB डाटा एंड वो सब चीज़ें। तो 1 GB डाटा आपको मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैंने पता किया वो जो 1 GB डाटा है ना डू का, वो सिर्फ 24 घंटों के लिए है बस। सिम जो आपकी वैलिड होगी वो 28 दिनों के लिए होगी, लेकिन उसके अंदर आपको कोई टॉक टाइम वॉक टाइम कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 1 GB का डाटा मिलेगा जो कि 28 दिन तक वैलिड, जो सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप बात करते हो सिम की, तो जो आपकी सिम वैलिड होगी वो 28 दिन के लिए वैलिड होगी। तो मतलब 1 GB डाटा यार यहाँ पे 5G चल रही है, और 5G मैं आपको बता नहीं सकता इतनी तेज़ स्पीड है ना, इतनी तेज़ स्पीड है वो, आपका 1 GB डाटा ऐसे उड़ेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो अब आप दुबई आते हो, आपने डू की सिम ले ली जो आपको पासपोर्ट के अंदर डाल के थमा दी जाती है, आपका 1 GB जो डाटा है वो 24 घंटे में ख़त्म हो गया, आपने नहीं यूज़ किया तब भी ख़त्म हो गया, मतलब मैक्सिमम 24 आवर्स में जो है आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करोगे भाई, जाहिर सी बात आप रिचार्ज करोगे। तो यहाँ पे जो रिचार्ज है ना, वो रिचार्ज के प्लान हैं, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगे हैं, मेरा, मैं अभी डू के भी उसमें गया शोरूम में, आई मीन हेड ऑफिस गया, और एतिसलात के भी गया। तो डू के प्लान्स और एतिसलात के प्लान्स में काफ़ी फ़र्क है। मैंने जो पर्सनली लिया है वो मैंने एतिसलात का लिया है, मेरे को डू समझ नहीं आया। आपको समझ आ जाए वो एक अलग बात है, बट मुझे डू समझ नहीं आया। तो मैंने एतिसलात लिया है, मेरा 200 दिरहम्स का प्लान, मतलब मैंने 200 दिरहम उनको दिए हैं मुझे एक नया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको जो एयरपोर्ट पर जो सिम मिलेगी वो तब तक वैलिड होगी जब तक आपका वीज़ा चल रहा है। अगर आपकी यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद से जॉब लग जाती है और आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, तो भी आप उस सिम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ विजिटर वाली सिम है, ठीक है। इसीलिए मैं आया हुआ था, क्योंकि आई वांटेड कि यार अगर मेरा कुछ यहाँ पे कुछ परमानेंट हो जाता है कुछ, तो मैं बार बार नंबर नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरे लिंक्स मैंने यहाँ पे बनाने थे। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे सिम चेंज किया। डू भी आपको ऐसे सिम देता है, लेकिन उसके लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा, एतिसलात के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा, लेकिन जो आप एयरपोर्ट पर सिम लोगे वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। अब जो मैंने एतिसलात का सिम लिया वो मुझे 200 दिरहम का पड़ा है, बेसिकली सिम फ्री है, 200 दिरहम का मुझे वो पड़ा है उसका जो मैंने प्लान लिया, जिसके अंदर मेरे कम से कम 525 मिनट्स फ्लेक्सी मिनट्स फ्री हैं। अब फ्लेक्सी मिनट्स होते क्या हैं, ओके, एक होता है लोकल मिनट, एक होता है इंटरनेशनल मिनट, और एक होता है फ्लेक्सी मिनट, उसमें आप लोकल इंटरनेशनल जो मर्जी करो। तो मुझे 525 मिनट मिले, चाहे मैं लोकल करूँ अपने घर में मम्मा को घर वालों से बात करूँ, या फिर मैं दुबई में, ओ सॉरी, चाहे मैं इंटरनेशनल करूँ इंडिया कॉलिंग करूँ, या फिर मैं लोकल करूँ, 525 मिनट है, उस हिसाब से वो डिडक्ट होते रहेंगे। तो ये था एतिसलात का जो मेरे को प्लान पड़ा है। अब 525 मिनट मतलब अगर आप 60 मिनट का एक घंटा लगाते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 9.5 घंटे आपको मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप दिन में आधा घंटा भी बात करते हो तो आई थिंक आपके जो 9 घंटे हैं, आप मतलब आधा घंटा ना, दैट आधा घंटा मैं घर में बात कर रहा हूँ, यार लोकली हम यहाँ पे काम के लिए हैं, तो दिन में कम से कम सारे, मतलब आप जो भी आपके वेंडर्स हैं जिससे भी बिजनेस जो मीटिंग्स करोगे कुछ भी करोगे, तो यार कम से कम आधा पौना घंटा तो आपका दिन का जाएगा ही जाएगा, चाहे आप एक कॉल करो चाहे आप 100 कॉल करो, राइट। तो ये बेसिकली मुझे प्लान समझ आया था, मैंने ले लिया है, आप जब आओगे आप देख लेना। और पर हाँ, मेरे को डू की एक चीज़ अच्छी लगी कि जब आप यहाँ पर रेजिडेंस परमानेंट हो जाते हो, आप परमानेंट रेजिडेंट, मतलब परमानेंट मतलब ये नहीं कि आपको कोई ग्रीन कार्ड मिल गया, बेसिकली जब आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाती है, तो जो डू वाले हैं वो प्लान ऑफर करते हैं 50% पे, लेकिन उसके लिए आपको पूरे साल की पेमेंट देनी होती है। मुझे उम्मीद है कि एतिसलात में भी ये सब होगा, बट मैंने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि मैं एतिसलात से निकल आया था, और फिर जब मैं डू के ऑफिस गया तो वहाँ पे ये स्कीम थी कि पे 50% एंड इंजॉय फॉर द ईयर। तो फिर अब बार बार एतिसलात में जाना आनो नहीं अच्छा लगता, तो मुझे लगता है एतिसलात का भी होगा, बट अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, उस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब यहाँ पे सब कुछ परमानेंट हो जाएगा, जब देखेंगे फिर मैं तसल्ली से जो चीज़ें हैं आपको बता दूंगा। बाकी मोटा मोटा आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप जब आओगे आप अपने हिसाब से देख लेना, जब आप एज अ विजिट वीज़ा पे जॉब के लिए आओगे तब आप अपने हिसाब से देख लेना, ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हो और ये सब करके आ रहे हो ना, एक हफ्ते में तो यार आपका वो जो डू वाला जो आपको एयरपोर्ट पर थमाएंगे वो भी काफ़ी है, मतलब 1 GB आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि शायद आपको रिचार्ज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ना दुबई में सारा वाईफाई है, सारा वाईफाई है। अब वाईफाई का क्या सीन है, आप जिस मॉल में जाओगे उसके मॉल को, इवन अभी मैं मेट्रो में गया था ना, तो मेट्रो में भी वो वाईफाई कनेक्ट कर रहा था उसमें, लेकिन वाईफाई में ना एक छोटी सी एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि उसमें लिखा, जब मैंने मतलब मेट्रो के गेट्स के ऊपर ना वाईफाई का नाम लिखा होता भाई किस नेम से वाईफाई होगा, किस क्या उसका पासवर्ड होगा, तो जब आप उसमें लॉगिन करते हो ना, तो और वो डू का है,
जो वाईफाई है ना वो सारा डू वालों ने दिया हुआ है इनको मेट्रो को, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई अगर आपको फ्री वाईफाई चाहिए तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 1 घंटे का चाहिए तो आई थिंक 10 दिरहम, अगर आपको 2 घंटे का चाहिए, पब्लिक कार्ड जिसको कहते हैं बेसिकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेट्रो में आ रहे हो तो यू नो आपको वो उसी दिन ख़त्म करना, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक लिमिट मतलब बेसिकली एक वैलिडिटी होती है। मान लो मैंने 10 घंटे का परचेज़ कर लिया, लेट्स से एक्स वाई जेड दिरहम्स का मैंने परचेज़ कर लिया, तो वो 10 घंटे में से मैंने 15 मिनट आज चलाया, 15 मिनट कल चलाया, तो वो इस तरह से बेसिकली इनका सीन है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग। तो सारा के सारा ये वाईफाई है, तो अगर आप विजिट पे आओगे अपनी फैमिली के साथ एक आध हफ्ते के लिए तो डू इज़ गुड। बट अगर हम बात करते हैं जॉब वर्कर्स की, जो लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं, जो मतलब यू नो जॉब सर्च के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब उनको लेना चाहिए? क्योंकि देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जॉब लगेगी या तो नहीं लगेगी, एज सिंपल एज दैट। तो नहीं लगेगी तो इंडिया वापस जाओगे, लगेगी तो यहीं रहोगे। अब रिचार्ज आपने दोनों में करना है, ठीक है? तो जो अगर जॉब लग जाती है तो वो एक प्लस पॉइंट है ना कि यार हमने पहले से ही पैसे देके नंबर लिया हुआ था तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लो आप 2 महीने के विजिट वीज़ा पे आए हो और आपकी जॉब आपने डू वाला ही आगे कंटिन्यू किया, आपने इतने लिंक्स बना दिए कि भाई साहब मज़ा ही आ गया, बाद में आपकी जॉब लग जाती है और आपका जो नॉर्मल विजिट वीज़ा वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो डू वाला सेम है ना ख़त्म है, वो आपको दोबारा से नया नंबर लेना पड़ेगा, सारे कॉन्टैक्ट्स को दोबारा से नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बसूड़ियाँ हैं, तो बेटर है अगर आप जॉब देखने के लिए आ रहे हो, जॉब देखने के लिए जब आप आओगे तो बेटर है वो जो डू वाली सिम आपको देंगे एयरपोर्ट पर जो देंगे, वो डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? थोड़ा सा मैंने स्मार्ट डिसीजन वाइज डिसीजन लिया, बाकी बहुत सारे लोगों की नज़रों में हो सकता है कि ये डिसीजन वाइज ना हो, लेकिन बहुत सारे की नज़रों में हो सकता है कि ये वाइज हो, तो अपने हिसाब से आप लोग चूज़ कर लेना जैसा आपको सही लगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डू एंड एतिसलात, ठीक है? तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, बल्कि मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो मतलब एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो होती है, थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सबके साथ शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और नीचे हमेशा की तरह आपके भाई की इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके भाई को फॉलो भी कर देना, ठीक है? टिल देन स्टे हेल्दी, राइड सेफली एंड बाय बाय। मतलब हम लोग दुबई आए और ये सब देखने को मिले, आप खुद बताओ यार इंडिया जाने का वापस मन करेगा आपका? भाई साहब रेंज रोवर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप इंडिया वापस जाते? वैसे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ना जाऊं, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है, बट आप कमेंट में बताना आप अगर मेरी जगह होते तो क्या इंडिया वापस जाओगे या नहीं।